कुछ दिनों के बाद में जब सोना रानी गर्भवती हो गई तो राजा रानी दोनों बड़े प्रसन्न भए। अब राजा रानी प्रसन्नता के साथ ही साथ अपना समय बिता रहे हैं, धीरे धीरे समय बीत रहा है और रानी का जो गर्भ का समय है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक दिन राजा रानी के पास बैठ गया किनारे में जाके और रानी से कहने लगा, बोले रानी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप बोले मानोगी या ना मानोगी। रानी कहने लगी, मानूंगी महाराज, क्योंकि आप मेरे पति हो और गोंडी संस्कृति में बोले पति ही पत्नी का गुरु होता है। अगर जो पति अपनी पत्नी को जैसा चाहे बना सकता है तो बोले मैं मानूंगी, बताओ। राजा कहने लगा, रानी जो तुम्हारा जो समय है, अभी जो समय चल रहा है वो गर्भ अवस्था का समय है, इसलिए बोले तुम गर्भ अवस्था में किसी की चुगली मत करना, बार बार गुस्सा मत होना, चोरी नहीं करना, खराब बात मत सुनना, अगर सुनना है तो अच्छी बात सुनना। बोले क्यों? बोले रानी जो महिला गर्भ अवस्था में जैसा कर्म करती है उसका असर गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर पड़ता है। बोले जो महिला गर्भावस्था में अगर खराब बात सुनती है तो उसका बच्चा भी खराब बोलने वाला पैदा होता है, और जो महिला गर्भावस्था में अच्छी बात सुनती है, ज्ञान की बात सुनती है, तो उसका बच्चा भी ज्ञानवान होता है। और जो महिला चोरी करती है तो उसका बच्चा भी चोर निकल जाता है, उसका असर पड़ता है। जो महिला बार बार गुस्सा होती है या लड़ाई झगड़ा करती है तो उसका बच्चा भी आगे चल के बोले गुस्सेला पैदा होता है, झगड़ा करने वाला पैदा होता है। रानी बोली ठीक है महाराज। तो बोले रानी हर हमेशा हंसमुख रहना, प्रसन्नता से रहना। तो बोले ठीक है, रानी ने बात मान गई और ये बात सही है मेरे भाई, इसका असर पड़ता है। अब इस प्रकार से रानी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना समय बिता रही है। धीरे धीरे समय बीतते गया, एक दिन रानी राजा से कहने लगी, बोले महाराज आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोले आप मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? राजा कहने लगा, बोले रानी जब तुम मेरी बात मान सकती हो तो मैं तुम्हारी क्यों नहीं मानूंगा? बोले बताओ। रानी कहने लगी, महाराज जब से मैं गर्भ अवस्था में आई हूँ तब से पता नहीं अच्छी अच्छी चीज खाने की जी होती है। बोले अच्छी अच्छी चीज? हाँ। बोले कभी इच्छा होती है कि चने मिल जाते भुजे हुए, कभी इच्छा होती है कि अच्छी बोले चटपटी सब्जी भाजी मिल जाती, बोले कभी इच्छा होती है पपीता खाती, कभी इच्छा होती है नारियल खाती। राजा कहने लगा, रानी ये तुम्हारी अकेली नहीं, बोले जितनी भी महिलाएं जब गर्भावस्था में आती हैं तो सबकी इच्छा होती है ऐसा। तो बोले सब महिलाएं सोचती है कि अच्छी अच्छी चीज मिल जाती है। कई कई महिला तो बोले गर्भावस्था में मटन खाने वाली होती वो तो कहती कि मटन मिल जाता बढ़िया मुर्गा, और जिस महिला को खाने को नहीं मिलता है अच्छी अच्छी चीज बोले वो महिला माटी खाती है। बोले मट्टी खाती क्या? मट्टी खाती ना, क्यों खाती है? ये गर्भवती महिला भी खाती है और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कुछ महिला के बच्चे भी खाते हैं। क्यों? जब बच्चा गर्भ में होता है उसका हड्डी का जब निर्माण होता है, विकास होता है, लोहा की जब जरूरत पड़ती है तो बच्चे को माटी अच्छी लगती है, और महिला के गर्भ में जब बच्चा होता है उसके हड्डी का निर्माण होता है तो महिला को भी माटी अच्छी लगती है। क्यों? कि मट्टी में लोहा पाया जाता है, लोहा से हड्डी बनती है। जिस महिला को अगर आपने खाने पीने में कमी किया तो वो महिला बराबर है मट्टी खाएगी, कमजोर रहेगा उसका बच्चा। तो मेरे भाई सभी से निवेदन है, अपनी जो गर्भवती महिला रहती है तो उसको खाने पीने में कंजूसी मत करना, ठीक है ना? अगर आपने कंजूसी किया तो आपका जो बच्चा है अपंग भी पैदा हो सकता है, दिमाग से भी अपंगता आ सकती, कमजोर रहेगा बच्चा।
इसलिए मेरे भाई गर्भ अवस्था में अपनी महिला को बहुत ध्यान रखना है, सेवा करना है, नहीं तो बैठे रहे सरकार की भरोसे आंगनवाड़ी में तो मिल रहा हो सब कुछ, ठीक है ना। आंगनवाड़ी के भरोसा मत रहना, खुद की पत्नी है, खुद की महिला है, इसका सेवा करना हमारा काम है। अगर आपने काम कर लिया तो समझ जाओ तुम्हारा बच्चा ज्ञानवान हष्ट पुष्ट पैदा होगा, कमजोर नहीं रहेगा, ठीक है ना मातृशक्ति। जो भी गलती भाई हो पहले तो हो जाने दो, अब जो हमारी नई बहुएं हैं उन पर विशेष ध्यान दो, ठीक है ना। तो समझ जाओ हमारे बच्चे अच्छे ज्ञानवान होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, कमजोर नहीं होंगे। तो राजा कहने लगा, रानी चिंता मत करो, तुमको जो चीज चाहिए मुझसे भर बता देना, मैं तुरंत तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। तो रानी जब राजा से कहती थी कि भुजे हुए चने चाहिए, तो राजा तुरंत चना भुजवा के खिलवाता था। जब पपीते मांगती थी रानी तो पपीता खिलवाता था, नरियल मांगती थी नरियल। एक दिन रानी कहने लगी कि महाराज मुझे बोले सबसे अच्छी लगती है बोले भाजी। बोले कौन सी भाजी? चने की भाजी? नहीं बोले जो जंगल में रहती है वो भाजी। तो बोले जंगल में कौन सी? बोले महाराज जिसको कोटवारी या क्योलार बोलते हैं उसकी भाजी सबसे अच्छी लगती है मुझे। कोटवारी बोलते हैं क्योलार, इधर क्योलार, कोटवारी या क्योलार, ठीक है, सबने खाया होगा। और ये बता रहा हूँ जो केवलार की भाजी है ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छी होती है और खाना चाहिए। तीन भाजी है महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए आज आंगनबाड़ी में बताया जाता है, लेकिन एक ही चीज बताते हो सिर्फ मुनगा की भाजी बताते हैं, ठीक है, मुनगा जो मिलता है उसके बारे में आंगनबाड़ी बताते हैं। तीन है, एक मुनगे की फल की भाजी भी गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी है, एक केवलार की भाजी भी अच्छी है, और एक जिसको आप डूमर बोलते हैं उसका फल की भाजी भी अच्छी है। डूमर के फल की भाजी खाते हैं, ठीक है ना, सब्जी बना के फलों की, कच्चे फलों की, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है और हम भी खा सकते हैं। तो राजा कहने लगा कोई बात रानी, कोई बात नहीं है, बोले मैं प्रतिदिन नौकरों को जंगल भेजा दूंगा, तुम्हारे लिए प्रतिदिन कहोगी तो प्रतिदिन बुलवा दूंगा, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, चिंता मत करना, प्रसन्नता से रहना। बोले ठीक है। तो राजा क्या करता था, प्रतिदिन नौकरों को जंगल भेजता था और नौकर जंगल जाके केवलार की भाजी लेके आते थे और रानी रोज उस भाजी को फिर बड़े शौक से रात को खाती थी, इस प्रकार से अपना समय बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतते गया, कुछ दिनों के बाद में जो केवलार की भाजी है जो कोमल कलियां थी वो धीरे धीरे कड़ी हो गई। जब कड़ी हो गई तो भाजी खाने लायक नहीं रही, नरम होती तब तक खाते हैं ना, कड़ी हो गई तो भाजी लायक नहीं रही, इसलिए नौकरों ने उस दिन भाजी लेके नहीं आई। रानी ने पूछी कि भाजी क्यों नहीं लाए, तो उन्होंने बता दिया कि जंगल में भाजी खत्म हो गई, भाजी मिली ही नहीं। तो भाजी नहीं मिली तो क्या हुआ, रानी को थोड़ा गुस्सा सा आया और रानी ने भाजी के बिना रात को भोजन भी नहीं करी और भूखे पेट सो गई। कैसे? अरे एक दिन सोना रानी को, अरे एक दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है, एक दिन सोना रानी को क्या हुआ, उस दिन सोना रानी देहा, उस दिन सोना रानी देहा भोजन तक ना खाई है, भाजी नहीं मिली तो सोना रानी ने उस दिन भोजन भी नहीं करी और भूखे पेट सो गई। अब भूखे पेट सो गई लेकिन हुआ क्या, भूखे के कारण नींद नहीं आई, कि भूखे के कारण नींद नहीं आई और बड़े मुश्किल से समय बिताई। अब भूखों के कारण रानी को रात को नींद नहीं आई,
बड़े मुश्किल से रानी ने रात बिताई मेरे भाई। धीरे धीरे जब सुबह हुआ तो रानी कहने सोचने लगी कि बोले जब तक भाजी नहीं मिलेगी मुझे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, अब क्या करूं। रानी ने तुरंत अपनी गांव की सखी सहेलियों को बुलाई और सखी सहेलियों से कहने लगी, अरे ओ बहन बोलो सुनो, कल बोले हमारे यहाँ नौकरों ने भाजी नहीं लाया, जंगल से बोल रहे थे कि भाजी खत्म हो गई, जंगल में नहीं है अब भाजी, और बोले भाजी के बिना मेरा जी नहीं मान रहा है, इसलिए तुम सभी तैयार हो जाओ और मेरे साथ जंगल चलो। कैसे? बोले बहन भाजी बिना जिया नहीं माने, देर मत करो, तुम जल्दी तैयार हो जाओ और मेरे साथ जंगल चलो। सखी सहेली कहने लगी, रानी तुम घर में रहना, बोले हम लेके आ जाते हैं। बोले क्यों? सखी सहेली कहने लगी, रानी तुम्हारा जो गर्भ का समय है वो लगभग लगभग पूरा होने वाला है, इसलिए तुम घर में रहो, हम लेके आ जाएंगे। रानी कहने लगी, नहीं मैं भी चलूंगी। नहीं बोले रानी, जंगल में वहां धोखा हो सकता है, क्योंकि हमको डर लग रहा है तुम्हारा जो समय पूरा होने वाला है, इसलिए तुम घर में रुको। रानी कहने लगी, नहीं मैं भी चलूंगी, हो सकता है तुम भी नौकरों जैसे खाली हाथ आ जाओगी, तो इसलिए बोले मैं खुद चलूंगी। बार बार सखी सहेलियों ने रानी को मना किया, लेकिन रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी और जबरदस्त हट करके जाने के लिए तैयार हो गई। अब सखी सहेली कहने लगी, ठीक है रानी जी, अगर आप नहीं मान रही हो तो बोले चलो। अब सखी सहेली और रानी अब घर से निकलती हैं भाजी लेने के लिए जंगल की तरफ। चलते चलते जंगल के किनारे पहुंची, वहां जाके देखती है क्या, यही विधि जंगल को सब आई, हरी हरी भाजी देख हर पाई, हरी हरी भाजी देख हर पाई, हरी हरी भाजी देख हर पाई। अब जंगल पहुंची, वहां देखी तो ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे केवलार के, और भाजी भी लगी हुई थी। रानी कहने लगी, बहन देखो, बोले कल नौकर कह रहे थे कि जंगल में भाजी नहीं है, और देखो जंगल में ढेर सारी भाजी लगी है। बोले सखी सहेली कहने लगी, बोले हाँ रानी ठीक है, बोले कोई बात नहीं, बोले जल्दी अब हम भाजी तोड़ लेते हैं। तो बोले ठीक है तोड़ो। तो सब सखी सहेली इधर उधर बिखर गई और भाजी तोड़ने लगी। रानी खड़ी होके देख रही थी। अब रानी ने सोची कि मैं भी तोड़ूंगी तो जल्दी हो जाएगा। तो एक पेड़ के किनारे रानी गई और केवलार की एक डाली को पकड़ के नीचे की तरफ झुका रही है और दूसरे हाथ से भाजी तोड़ रही थी। उसी समय अचानक क्या हुआ, जिस डाली को रानी ने पकड़ के नीचे की तरफ झुकाई हुई थी वही डाली अचानक टूट जाती है। जैसे ही डाली टूटी तो रानी का बैलेंस नहीं संभला, दोनों पैर फिसल जाते हैं, दोनों पैर फिसले और रानी जमीन पर गिर जाती है। कैसे?
अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 मोरे भैया। जब डाली अचानक टूटी पैर फिसला तो सोना रानी पेट के बाहर जमीन पर गिर जाती है। पेट को बड़े जोर से झटका लगा, सोना रानी के पेट में बड़ा दर्द हुआ और सोना रानी बेहोश होके जमीन पर गिर जाती है। और जो सखी सहेली भाजी तोड़ रही थी, उन्होंने जो डाली की टूटने की आवाज सुना तो वो पीछे मुड़ के देखती है, तो क्या देखती है कि वो डाली टूटी पड़ी हुई है पेड़ के नीचे, उसी के बाजू में सोना रानी भी बेहोश पड़ी हुई है। सखी सहेली तुरंत दौड़ करके रानी के पास आई और रानी को देखी तो रानी बेहोश पड़ी हुई थी। सखी सहेली घबरा गई, आंखों में आंसू आ गया। बोले, रानी जी आपको क्या हो गया? बार बार रानी को बोलती है लेकिन रानी ने बिल्कुल नहीं बोली। सखी सहेली कहने लगी कि अब क्या करें, अब जंगल में हमारे पास कपड़े भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो सखी सहेलियों ने जिसने जितना भाजी तोड़ा था उसी भाजी को अपनी झोली से निकालती है और जमीन पर बिछा देती है। भाजी को भाजी से बिस्तर बनाई, सेज बनाई, रानी को उठा करके वही भाजी की कोमल कलियों की सेज में रानी को सुला देती है, लिटा जाती है। और रानी के आसपास बैठ गई सब सखी सहेली और प्रकृति से प्रार्थना करने लगी, बड़ादेव से प्रार्थना करने लगी। हे बड़ादेव, हमारी रानी जी को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी रक्षा करो। और हुआ क्या, तुरंत मेरे भाई, प्रकृति किसी का बस का नहीं है, ठीक है ना, यह बस में किसी के बस का नहीं है प्रकृति। तुरंत मौसम बदलने लगा, जोर जोर से हवा चलने लगी। तुरंत कैसे कि जोर जोर से हवा चली और होने लगी है अंधियारी और काले काले बादल छाए, आज मेघ गरज रहे भारी। तुरंत मेरे भाई आकाश मंडल पर अचानक काले काले बादल छा गए, जोर जोर से हवा धुंध चलने लगा, गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी, कड़कने लगी, अंधेरा सा हो गया, पूरा वातावरण जो है डरावना सा हो गया। ऐसा लगने लगा कि थोड़ी देर में वर्षा और होगी, पानी गिरेगा। सब सखियां ने यह माहौल देखी तो और घबरा गई। हे बड़ादेव, बोले अब क्या होने वाला है, पूरा अंधेरा छा गया। और उसी समय क्या हुआ कि बिजली कड़की जोर से, बड़ी जोर से बिजली कड़कती है और चमकती है और छाई है घोर आवाजो। और उसी समय मां सोना ने आज जन्मी कन्या नवजात, बड़ी जोर से बिजली चमकती है और कड़कती है, घना घोर आवाज हो गया। इस आवाज से सोना रानी के कान सुन्न पड़ गए, बिजली चमकने से आंख चकचौंध आ गए, रानी घबरा गई। घबराहट के साथ ही साथ, बिजली चमकने के साथ ही साथ, कड़कने की आवाज के साथ ही साथ सोना रानी ने मेरे भाई भाजी की कोमल कलियों की सेज पर एक सुंदर सी कन्या को जन्म दे दिया। आप तो कह रहे हैं ताली काले बजा रहे हैं भाई, बुढ़ापे बच्ची के जन्म में लड़का हुआ था कल, तो सब खुशी मना रहे थे, लड़की की चुपचाप बैठी थी। तो मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं को,
कि किसी के घर में आज भी लड़की पैदा होती है तो चेहरा उतर जाता कहीं का, ऐसा तो नहीं हो रहा कि लड़का होना था पहले। गोंडी संस्कृति में लड़का हो चाहे लड़का हो, दोनों को एक बराबर सम्मान देना चाहिए ना। नहीं तो कई जगह देखता हूँ कुछ कहीं कहीं के गोंड लोग कहते हैं कि लड़का को पढ़ाएंगे लड़की तो दूसरे घर चली जाएगी, इसको कम पढ़ा लो। ऐसा नहीं, अगर लड़की को पढ़ाओगे नहीं तो फिर बहू पढ़ी मिलेगी क्या हमको? नहीं मिलेगी ना। जबकि आप लोग विचार करना, लड़की लड़कों से अच्छी है ना, हर चीज में अच्छी है। मैं बता रहा हूँ, मैंने देखी बात बताता हूँ वो कैसे। जो हमारी बेटी होती है वो अपने माता और पिता के कपड़े भी धोती है, धो देती है कि नहीं धोती? लेकिन बेटा धोता है क्या? वो तो बहुत ब्रिलियंट बेटा होंगे जो माँ बाप के कपड़ा धोते हैं, लेकिन बेटियों को हर हमेशा देखा हूँ मैंने कि वो अपने माँ बाप के कपड़े धोती है और उसका भाई के कपड़े भी धो देती है, लेकिन वो अपनी बहन का धोगा कपड़ा तो कौन अच्छा है? बेटी भी अच्छी है, इसलिए इन पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, इनको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, इनको बराबर शिक्षा दीक्षा मिलना चाहिए। तो जब लड़की का जन्म हुआ भाजी की कोमल कलियों में, तो जो बिजली शक्ति थी वो बिजली शक्ति वो लड़की और कन्या के शरीर में जाके समाहित हो जाती है। जब वो जन्म ले रही थी उसी समय वो लड़की चिल्ला रही थी, क्या चिल्ला रही थी? और आज भी देखना, चाहे वो टूरा हो चाहे टूरी हो, गोटी में टूरा टूरी बोलते हैं, ठीक है ना। जब जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बांध के जन्म लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते? इसलिए बता रहा हूँ ये बात। कुछ लोग हमारे गोंडियन लोगों से पूछते हैं कि यार सब लोग तो नारा ऐसा करके लगाते हैं और तुम लोग मुट्ठी बांध के क्यों लगाते हो? जब पूछते हैं तो आपको जवाब देना है। वो पूछते हैं ना कि कब से सीख लिए बोलो, बोलते ना, तो आप बोलना कि जब हम जन्म ले रहे थे उस समय हम मुट्ठी बांध के आए थे कि नहीं आए थे? तो इसमें गोंड अकेलों की बात नहीं है, उनको भी बताना जो कहते हैं उनको, चाहे कोई भी समाज हो, सबके बेटा बेटी जब जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बांध के लेते हैं कि नहीं? अगर लेते हैं तो एक बार ताली बजा दो, पूरे खाली बैठे लेते हैं ना। और जो बच्चा हाथ फैला के जन्म लेगा तो मरा हुआ पैदा होगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए लोगों ने कहा है मुट्ठी बांध के आते हैं और हाथ फैला के जाते हैं। इसलिए गोंडी संस्कृति में जब प्रकृति का नारा लगाते हैं तो मुट्ठी बांध के अभी हम आए हैं, रुकेंगे। और जो ऐसा करता है तो मैं समझ जाता हूँ, ये कह रहे हैं कि गुरुजी हमारा समय पूरा हो गया, टाटा बाय बाय, दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा मत करना है, ऐसे ही समझूंगा, ठीक है ना। सभी बच्चे लेते हैं सबके, उसी समय से हम मुट्ठी बांधे हैं। इसलिए प्रकृति का जब स्मरण करते हैं तो हम बच्चा वो गोंडी में बोलता है फड़ा पेंता, अच्छे गौर से सुनना, फड़ा पेंता बोलता है। और जो लड़की होती है वो ज्यादा से ज्यादा बोलती है जोहार 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 जोहार, ये दो शब्द बोलती है। क्यों? फड़ा पेन और जोहार ये प्रकृति को स्मरण करने का शब्द है। वो बोलते हैं कि हे प्रकृति शक्ति फड़ा पेन, अब हमें पावन धरा धरती पर आ गए, हम तुझे हर हमेशा फड़ा पेन के नाम से सुमरते रहेंगे। लेकिन बड़े हो जाते हैं फिर मुट्ठी बांधना भी भूल जाते हैं और फड़ा पेन को भी भूल जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से धर्मों में भटक जाते हैं। तो जब लड़की ने ऐसा चिल्लाई मुट्ठी बांध के तो जो काले काले बादल छाए थे, अंधेरी सा छाया हुआ था, वो धीरे धीरे मेरे भाई अंधेरी भी साफ हो गया, बदल भी साफ हो गया, मौसम खुल गया, ज्यों का त्यों उजेला हो गया। जब उजेला हुआ तो सब रानी वो सखी सहेली कहने लगी, अब उजेली हो गई, मौसम साफ हो गया, अब देर मत करो बोले, अब इस बच्ची को लेके और रानी को लेके अब घर चलना है। तुरंत मेरे भाई सखी सहेली रानी को लेकर के कन्या को लेके घर चलती है। कैसे?